कितना प्यारा है दोहा एयरपोर्ट, कितना खूबसूरत लग रहा है, लाइटिंग ही लाइटिंग। और हम और अब हमारी फैमिली बाहर हमारा वेट कर रही है। और कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, वो दिन आ गया है जिसका बेताबी से इंतजार था मुझे भी और आप लोगों को भी। आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि जो है ना पाकिस्तान की वीडियो का हम बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं और यहाँ हमारे बच्चे बिल्कुल रेडी हैं, वो भी मेरा बच्चा ये भी और एक बच्चा ये बिल्कुल, और ऐसा ऐसा सामान नीचे गाड़ी में फिट कर रहे हैं और चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं ये तो मैंने बताया ही नहीं, यू नो वीडियो देखते कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं पाकिस्तान, तो आप लोगों का भी और हमारा भी इंतजार खत्म हो गया है। और फिर इंशाल्लाह आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूंगी, एयरपोर्ट जाते हैं फिर वहां कैसा रहता है सफर। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और पाकिस्तान के भी ब्लॉग देखने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं, सामान रखते हैं और बस टाइम हो गया है तो निकलते हैं। अच्छा, अब हम आ गए मम्मा के पास आ गई है। आए तुम्हें कोई जगह ही नहीं पसंद आ रही है? राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। ये बस में बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। अच्छा, एरोप्लेन में भी ये पहले बैठी है पर बहुत छोटी थी और अब जाके हम इसका देखेंगे रिएक्शन कैसा है, एरोप्लेन में कैसा फील करती है। तो जब हम लास्ट टाइम गए थे तो तब छोटी थी। ओके जी फ्रेंड्स, फाइनली हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और खैर खैरियत से टाइम से पहुंच गए। अब्दुल्ला साहब मेरे पास खड़े हैं और आइसल भी, और बस अब चलते हैं और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आइसल कहाँ जा रही है? आज आइसल का फर्स्ट डे बैठेगी आज एरोप्लेन में, है ना? किसका? बड़ी खुश है, हैप्पी। कहाँ जा रही हो? दादू पास जा रही है, आइजल दादू से मिलने जा रही है। हैं, इतना लंबा है, कब से हम लोग इसके ऊपर खड़े हुए और अब्दुल्ला साहब ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आइजल हैप्पी, कहाँ जा रही हो? दादू पास, मामू पास, हैं? बड़ी खुश है भाई। अच्छा चलते हैं वहाँ, फिर बोर्डिंग शोर्डिंग होती है, जब तक बोर्डिंग नहीं होगी तब तक थोड़ी सी टेंशन होती है कि झूले ले जा रहे और फिर जब बोर्डिंग शोर्डिंग हो जाएगी फिर आराम से तसल्ली से बैठ के फिर बातें शातें भी करेंगे। फिर जी अब्दुल्ला एंड इनके बाबा बोर्डिंग, परी को दोबारा से भूख लगी है जो कि घर से भी खा के आई थी और मैं घर से भी नहीं खा के आई और अभी तक मुझे मौका नहीं मिला कि कुछ बैठ के खाएं। तो बोर्डिंग होती है फिर उसके बाद देखते हैं। आयत यहाँ बैठी है वेट कर रही है बाबा का और आइजल इधर इतना खुश हो रही थी। आइजल बच्चा ये बैठा है और आइजल का फर्स्ट ट्रैवल है यहाँ का, यानी कि पाकिस्तान का एरोप्लेन में फर्स्ट टाइम बैठेगी। हाँ, फर्स्ट टाइम है तो कैसा रहता है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ओके जी फ्रेंड्स, फाइनली हमारी बोर्डिंग हुई है, हर चीज़ कम्प्लीटली अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हो गया। और जब तक ये चीज़ नहीं होती तो थोड़ा सा डर रहता है कि भाई किसी ना किसी मसले से जो ना कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हर दफ़ा मुझे ऐसे ही होता है, यानी कि किसी को छोड़ने भी जाऊँ या सामान का मसला ना हो जाए, कोई पेपर ना मिस हो गया हो या कुछ भी। तो खैर खैरियत से सारी बोर्डिंग है और अब हम वेट कर रहे हैं और अभी तकरीबन एक घंटा है और फिर जैसे एरोप्लेन में हम लोग जाते हैं तो फिर आपसे मिलेंगे और एरोप्लेन भी अपना विज़िट करवाएंगे और फिर क्या क्या खाएंगे, क्या क्या करेंगे। और आयत तो बहुत छोटी थी जब आयत ने किया था और यहाँ आयत को गर्मी लगी है थोड़ी सी क्योंकि अंदर है और बाकी यहाँ मौसम बहुत ज़बरदस्त है काफ़ी दिनों से और सब ने ही जर्सियाँ जैकेट्स वगैरह पहनी है। तो पाकिस्तान जाके भी आपको जो है ना बताएंगे वहाँ का मौसम कैसा है। तो आप ओके जी, अब हम जा रहे हैं अपने एरोप्लेन की तरफ। एरोप्लेन आयत देख रही है, खुश हो रही है भाई। वो देखो हमारा, वो हमारा देख लो, वो हमारा एरोप्लेन खड़ा है, उसकी चोंच नजर आ रही है ना। तो आइजल का फर्स्ट कदम जहाज में, जिंदगी में पहली दफा, और अब हम एरोप्लेन में एंटर हो चुके हैं। वाओ सो नाइस, अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए हैं।
तो अब्दुल्ला साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं और परी वो उस साइड पर बैठ गई और आयत और वो ये बैठे हुए आयत ये बैठी बाबा के साथ। तो शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ तक अच्छा रह गया और आगे देखते हैं क्या होता है। Everyone knows a mask. Adjust the band to secure it and breathe normally. When your mask is fitted correctly, you may then assist others. क्या कह रही है? एरोप्लेन स्टार्ट हो गया? हाँ? हो गया? आयसल तो इतनी देर से ऐसे ही खेल रही है जी। अब लैंड होने वाला है और अभी मैं सोने लगी थी तो अनाउंस हो गया कि भाई 20 मिनट तक अब ये बस नीचे जा रहे हैं। कभी कान बंद हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आयसल को भी बैंड लगा दी है। बाय चलो 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 बाय 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 आयस बाय करो बाय 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 हीट है और गर्मी, ऐसे लग रहा है कि तंदूर में से हम लोग आ रहे हैं। और अब चलते बस में, ये हमारी बस है। पसीना एकदम मेरा और ऐसा लग रहा है जैसे तंदूर के पास से आते तो हीट लगते है ना, इतना गर्मी लगती है। गर्मी बेतहाशा है बहुत ज़्यादा। अभी रात है तो ये इस तरह लग रहा है। तेनी आइजल बिल्कुल भी नहीं रोई और बहुत अच्छे से सफ़र गुजरा है हमारा पहले एरोप्लेन वाला, यानी कि जर्मनी से दोहा तक। और अब ये आते ही बस में ये मैडम रोई जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी। और अभी हम एक एरोप्लेन से दूसरे एरोप्लेन की तरफ जा रहे हैं। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मोती माला वाले जो होते हैं पल पल के मोतियों से बना है, गोल्ड सा, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जी है दोहा एयरपोर्ट, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और ऊपर भी लाइटिंग ही लाइटिंग। और नेक्स्ट फ्लाइट हमारी यहाँ से है दोहा से पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, खूबसूरत सा। और ये देखें जी हम ऊपर आ गए और अब जा रहे हैं नेक्स्ट फ्लाइट की तरफ। जी वाह, ये कितना प्यारा लग रहा है। वो पानी ही पानी, ये सही है ओरिजिनल पानी है अब्दुल्ला? चेक करो हाथ लगा के, हाथ तो नहीं जाएगा तुम्हारा उधर। हाँ वो देखो पानी, ये कितना प्यारा लग रहा है। ऊपर से यूँ नीचे आ रहा पानी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। दिखाओ जा रहे, वाओ सो नाइस नाइस है बापा फोन का नाइस। हाँ ओके, फरारी खड़ी हुई है। और ये क्या है? वाओ ये लकड़ी का बना हुआ है ना, ये पत्थर का है या चॉकलेट का है? और जी वाह, ऊपर ट्रेन चल रही है परी, वो देखी है तुमने?
वो ट्रेन जा रही है यहाँ, और कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है यार, जबरदस्त। ये सारा वुड का काम हुआ है। इधर तरफ भी ट्रेन जा रही है और इस तरफ भी ट्रेन, कभी आती है कभी जाती है। ये चूना बीबी है, ये चूने चूना बीबी, बिरयानी भी है, कोक भी है। वाह, इधर से कुछ खाते पीते हैं, आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है, कुछ ठंडा। आइसक्रीम नहीं है इधर है, आइसक्रीम। चलो ऊपर चल के देखते हैं। ओके, हमारा एरोप्लेन, हम सेकंड एरोप्लेन में हम बैठने लगे हैं। जी फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं एरोप्लेन में। आइजल भी आ गई है, आइजल को बाहर गर्मी लग रही थी, अंदर आके बिल्कुल ठीक हो गई है। सो फ्रेंड्स, अब हम सारी लाइटें बंद ही हो गई हैं, हम लोग कह रहे हैं सो चुपचाप, लेकिन हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, लाइटिंग 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 हर जगह पे। और पता नहीं मैं नज़र आ रही हूँ कि दिख रही हूँ, और तब अभी प्लेन चलता है ना, दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट हो गया फाइनली, फाइनली कान बस थोड़े से बंद होते हैं, वो तो सारों के होते हैं, तब आई थी और खाना आ गया, यानी कि आँख ही लगी थी कि खाना आ गया। अब हम खाना खा रहे हैं, अब्दुल्ला ने कुछ पनीर शनीर मंगवाए हैं, और नहीं नहीं मेरे चिकन है, मेरे चिकन है, मेरे से चिकन तो मैंने अपनी प्लेट पर रखवा। ओके, मेरा इसने चेंज कर दिया, हालांकि चिकन मैंने कहा था, पनीर इसने कहा था। फाइनली हम पाकिस्तान पहुँच गए हैं, ये हमारा एरोप्लेन था, और अब हम जा रहे हैं मज़ीद आगे, और अब हमारी फैमिली बाहर हमारा वेट कर रही है। हीटर के पास या तंदूर के पास खड़े हैं, तंदूर के पाकिस्तान है ये, पाकिस्तान आया था। आपको कैसा लग रहा है गर्मी में? जी गाइस, फाइनली हम घर आ चुके हैं, और न्यू घर की खुशी में घर को डेकोरेट किया हुआ था, रिबन वगैरह लगाया हुआ था, और अभी डिसाइड ही हो रहा था भाई किसने रिबन काटना है, और परी ने जल्दी से सीजर पकड़ी और रिबन को काट दिया। तो फिलहाल सब खुश थे, बट दिली दिल में उदास भी थे। मैं तो बहुत ज़्यादा उदास थी, और अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था कि ज़्यादा शो ना हो, क्योंकि अम्मी की डेथ के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान आई हूँ। और बस आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि मेरी हिम्मत बनी रहे, और मैं आप लोगों से कोशिश करूंगी कि आप लोगों से अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूं, और बच्चे भी अच्छा सा टाइम गुजार के जाएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।